हाय एवरीवन, आज की जो टॉपिक है वो निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट को लेकर के जो न्यू आईजीसी सिलेबस आया है, जिसे अक्टूबर 2018 स्पेसिफिकेशन कहा जा रहा है, जो कि सितंबर 2019 में पब्लिश किया गया था, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, मेजर बेसिकली क्या है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए क्या है, न्यू स्टूडेंट को कहाँ पर फोकस करना है, इन सब से जो रिलेटेड डिटेल्स है उन सब के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। कंटेंट की बात की जाए तो ये कब से अवेलेबल है, इसे क्या कहा जाता है, एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, स्टडी आवर्स क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे पास हो गए होंगे आप, किस तरह की इवेल्यूएशन, बेसिकली इसे इवेल्यूएशन कौन करेगा, रिजल्ट्स कितने दिनों में आ जाएंगे, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये कब से अवेलेबल है, इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं तो कहाँ पर आप फोकस करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ये जो एम है इस वीडियो का, बस ये एम है कि ओल्ड और न्यू लर्नर्स के लिए, लर्नर्स जो निबोश अब अपने स्टूडेंट्स को लर्नर कहता है तो उन्हें एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि क्या चेंजेस हैं, उन्हें किन बातों को फोकस करना है प्रायर टू प्रोसीड फर्दर, कि वो डिटेल्ड में इसे समझ सकें। ये सिलेबस जो अवेलेबल हुआ है, ये 4th of September 2019 को निबोश ने इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे अवेलेबल किया था। निबोश का कहना है द बेस्ट जस्ट गॉट बेटर। इट मीन जो पहले बेस्ट था निबोश आईजीसी, जहाँ पर 3 एलिमेंट हुआ करते थे, अब वो और बेहतर हो चुका है। तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या मेजर चेंजेस हैं, उन सब के बारे में अभी आपको मैं वन बाय वन बेस्ड ऑन द स्लाइड्स के साथ बात करता चलूँगा। ये निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ही कहलाता है, बट जहाँ पर पहले 3 पेपर हुआ करते थे, IGC1, GC2 एंड GC3, अब उसके जगह IG1 एंड IG2 ही रह गया है। मतलब कि एक कंप्लीट पेपर निबोश ने न्यू सिलेबस में से हटा दिया है, जहाँ पर अब IG1 और IG2 को ही अवेलेबल रखा है उन्होंने। एंट्री रिक्वायरमेंट की बात की जाए, अगर आप में से कोई इसमें इनरोलमेंट लेना चाहता है तो कोई क्वालिफिकेशन की, मतलब एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं निबोश प्रोवाइड करता है, बट ये ज़रूर आपको रिकमेंड करता है कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए। इट मीन्स जो सिलेबस में उन्होंने कंटेंट इंक्लूड किया है उस पर आप समझ सको, उसे आप लाइक फर्दर एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ, एग्जामिनेशन पैटर्न में आप उसे लिख सको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो जहाँ पर पहले IGC1 में 5 एलिमेंट हुआ करता था और GC2 में 8 एलिमेंट्स हुआ करते थे, अब यहाँ पे दोनों में एक एक एलिमेंट कम कर दिया गया है। इट मीन्स IG1 में अब सिर्फ 4 एलिमेंट्स रह गए हैं और IG2 में अब सिर्फ 7 एलिमेंट्स रह गए हैं। काफ़ी अच्छा चेंजेस है, कुछ सिंक्रोनाइज किया गया है, कहीं पर अपडेट है, कहीं पर कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, किस चीज़ों को हटाया गया है। रिकमेंड लाइक ट्यूशन आवर्स की बात की जाए, जो निबोश रिकमेंड करता है अपने लर्नर्स को कि आप 68 आवर्स ज़रूर आप लाइक ट्यूशन आवर्स की बात कर सकते हैं। इट मीन जहाँ पर आप क्लासेस ले रहे हैं वो मिनिमम 68 आवर्स तक आपको ट्यूशन वो प्रोवाइड करें, ये कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। पहले 80+ आवर्स हुआ करते थे, बट निबोश यहाँ पर स्पेसिफिक करता है कि प्राइवेट स्टडी आवर्स एटलीस्ट आपके 40 होने चाहिए, लाइक कैंडिडेट को 40 आवर्स ज़रूर यहाँ पर प्राइवेट में फोकस करना है, प्रोवाइड करना है कंटेंट पे। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो IG1 के लिए ही सिर्फ सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है, जहाँ पर लर्नर क्या जानते हैं वो चेक किया जाएगा। IG2 के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सिंपली आपको IGC3 के तरह ही एक प्रोजेक्ट बनाना है जो थोड़ा डिटेल्ड है, और जहाँ पर ये निबोश चेक करता है कि लर्नर क्या कर सकते हैं वर्क प्लेस में, उसे आपको अपने लर्निंग प्रोवाइडर तक को सबमिट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन टाइप की टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर पहले ही जैसा 2 आवर्स है, बट अगर आप UK के बाहर, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश नहीं है और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको डिक्शनरी ज़रूर मिलेगा, इट मीन्स 2.5 आवर आपके पास हो जाएंगे। बट IG2 के लिए मैक्सिमम टाइम क्या है, ये लर्निंग पार्टनर आपको ज़रूर बताएंगे, लर्निंग प्रोवाइडर की बात कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर बताएंगे। पास मार्क की अगर मैं बात करूं तो IG1 में जिस तरह से ओल्ड में है कि 45+ मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है, बट पहले जहाँ पर आपको IGC1 और GC2 और GC3 में भी अलग अलग मार्क्स आते थे, बट अब यहाँ पर IG2 में कोई स्पेसिफिक मार्क्स नहीं आएंगे, यहाँ पर या तो आप पास आएगा या तो आप रेफ़र आएंगे, रेफ़र इट मीन्स फेल आएगा, तो एक स्पेसिफिक मार्क्स आपको नहीं मिलेगा।
इवेल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पहले IGC1 GC2 लाइक एक्सटर्नल एग्जामिनर जो निबोश अपॉइंट करता था वो करते थे, इंटरनली GC3 किया जाता था, लेटर निबोश उसे इवेल्यूएट करता था। बट अब IG1 और IG2 दोनों ही पेपर एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय निबोश के द्वारा ही वो ही हैं जो आपके पेपर को इवेल्यूएट करके आप तक रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे। रिजल्ट्स की बात की जाए तो पहले जहाँ पर 70 to 80 days लग जाया करते थे, अब यहाँ पर निबोश ने इसे कुछ कम किया है, विद इन 50 days के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट ये डिपेंड करता है कि आपने IG2 कब सबमिट किया है और आपने IG1 के एग्ज़ाम क्या कब दिए हैं। स्पेसिफिक डेट आपके एग्जामिनेशन के हॉल टिकट जो आपको मिलेगा, जिसे एंट्री टिकट भी आप कह सकते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक डेट लिखा रहेगा, उसके आगे पीछे विद इन अ वीक में आपको ज़रूर आपके रिजल्ट्स आपके ईमेल पे आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन ग्रेडिंग की बात की जाए, जहाँ पर पहले तीन एलिमेंट को मिला, तीन पेपर को मिला करके आपके पास रिजल्ट आया करता था, अब यहाँ पर वैसा नहीं है। सिंपली IG1 में कितने मार्क्स आप लाते हैं वही डिसाइड करेगा कि डिस्टिंक्शन है, क्रेडिट है, पास है या फिर आप फेल हो चुके हैं। बट आपको ये क्वालिफिकेशन ग्रेडिंग लाने के लिए आपको दोनों IG1 और IG2 पेपर में पास होना ज़रूरी है। इनके सब किसी एक में फेल हो जाते हैं तो ये आपको नहीं अवॉर्ड किया जाएगा। कॉमन वर्ड्स की बात की जाए तो मेजर चेंजेस की बात करते हैं, जहाँ पर एक लंबे दिनों से ये डिमांड थी कि इसे प्लेन इंग्लिश में किया जाए, तो निबोश ने इस चीज़ को सुना है और अब कोई भी कमांड वर्ड अब आपके एग्जाम पेपर में नहीं है। जहाँ पर पहले एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, आउटलाइन, आइडेंटिफाई एंड गिव हुआ करते थे, तो अब यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। गिव, वेयर, व्हाट, इन सब में आपके प्लेन इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिलेबस 5th of September 2019 से अवेलेबल है स्टडी के लिए। जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं वो निबोश के वेबसाइट में या डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि क्या कंटेंट है आपके सिलेबस में, और आप वहाँ से देख सकते हैं जो 5th of September 2019 से अवेलेबल है स्टडी के लिए। 2005 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 30th of September 2019 से स्टार्ट होने वाला है। इट मींस जो लर्नर इंटरेस्टेड है निबोश IGC के न्यू सिलेबस में, उन्हें वेट करना पड़ेगा टिल 30th of September तक। उसके बाद वो न्यू IGC सिलेबस के बेस में लर्निंग पार्टनर्स के पास जा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं न्यू सिलेबस। फर्स्ट एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो निबोश का कहना है, जो उन्होंने जिस तरह से अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, 4th of December को वो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस पे। बट 11th of November के आगे से लर्निंग पार्टनर्स की डिमांड पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा न्यू सिलेबस पे। तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे लर्निंग, क्या लर्निंग पार्टनर हैं, कौन लर्निंग पार्टनर है और उन्होंने किस तरह की डिमांड की है, उसी के हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। सर्टिफिकेशन की बात की जाए, अगर आप IG1 और IG2 जब आप पास करते हैं, उसके विद इन 40 working days के अंदर आपको फाइनल सर्टिफिकेट आ जाएगा। पहले ये ऐसा नहीं होता था, एटलीस्ट 60 to 70 to 80 days तक लग जाया करता था या उससे आगे पीछे हो जाया करता था। बट अब मिनिमम मैक्सिमम 40 days के अंदर ये सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएगा। इन केस अगर लर्नर ये बिलीव करते हैं कि उनके रिजल्ट्स उनके एक्सपेक्टेशंस के जैसा नहीं है, जितना उन्होंने चाहा था वैसा नहीं है, हालांकि वो पास हो चुके हैं बट फिर से रिसिट करके अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, 45 आया है बट वो 60+ की उम्मीद करते हैं और उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो विद इन 20 working days के अंदर वो निबोश को बता सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए रिसिट करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट पर्पज़ के लिए। इन केस लर्नर को ये भी बिलीव रहता है कि 44 आया है, 40 आया है, इट मींस उनके एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं है, तो सेम फॉर्मेट है, आप इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट सेक्शन में जा करके विद इन 20 working days के अंदर इंक्वायरी कर सकते हैं कि आखिर ये मार्क्स कैसा आया है, क्यों आया है। जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपका कुछ ज़्यादा था बट आप रेफ़र हो चुके हैं तो आप वहाँ पर EAR रिक्वेस्ट निबोश तक दे सकते हैं, 20 working days के अंदर आपको देना पड़ेगा। ओल्ड कैंडिडेट की अगर डेडलाइन की बात की जाए तो अगर आपने आप ओल्ड कैंडिडेट हो, आप किसी भी पेपर में आप अगर रेफ़र हो चुके हो, चाहे वो IGC1 हो, GC2 हो या GC3 हो, सो टिल अंटिल 31st of March 2022 तक आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। लर्निंग पार्टनर से बात करके आप टिल 31st of March 2022 तक आप बैठ सकते हो और उस पेपर को क्लियर कर सकते हो। इन केस अगर कोई चेंजेस आता है या फिर कहीं पर अगर मैंने मिस्टेक की है तो इसे मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट कर दूंगा। सारे लिंक
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई चेंजेस या अपडेट होता है तो मैं उसे आपके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूंगा। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।